नमस्कार दोस्तों, आज की चौथी और अंतिम वीडियो। इस तरह से अपने क्वेश्चन लगभग 80 के करीब क्वेश्चन हो जाते हैं आज कंप्लीट। तो फोर्थ यूनिट फोर्थ वीडियो अपन देख रहे हैं आज 14 फरवरी की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारत संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 1 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता किसके हित के अधीन है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता, उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर दीजिए। बिहार पीसीएस जूनियर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर एज टी, उपरोक्त सभी, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता। अनुच्छेद 25 के खंड 1 में प्रत्याभूत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लोक व्यवस्था, सदाचार, मोरलिटी जिसमें नैतिकता समाहित है एवं जनता के स्वास्थ्य के हित में धर्म से संबद्ध आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक एवं अन्य लौकिक क्रियाकलापों के विनियमन के और समाज कल्याण एवं समाज सुधार के आधार पर निर्बंधित किया जा सकता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 66। संविधान का अनुच्छेद 24 किसी कारखाने या खान अथवा किसी संगठनपूर्ण नियोजन में ऐसे बालकों को नियोजित करने का प्रतिषेध करता है जिनकी आयु कम है, 18 वर्ष से, 14 वर्ष से, 12 वर्ष से, 16 वर्ष से। सबको आंसर पता है, जल्दी से आंसर दीजिए। 66 का मध्य सिविजन 1993-2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, राइट आंसर इज सी, 14 वर्ष से कम। 67 स्वतंत्रताओं में से कौन सी संविधान में प्रत्याभूत धर्म स्वतंत्रता में समाविष्ट नहीं है? अंतर्गणित स्वतंत्रता, धर्म को मानने और आचरण की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता समाहित नहीं है बताइए, सबको पता है। यूपीपीसीएस 1994 में, फिर 1997 में, फिर 1999 में, 4 टाइम्स ये रिपीट हुआ है। राइट आंसर इज डी, दूसरों के धर्म को परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खान या किसी अन्य संकट में काम में नियोजित करना अतिलंघन है। समानता के अधिकार का, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का। यूपी लोअर सप्लीमेंट 2002-2003। राइट आंसर इज डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 69। संविधान का अनुच्छेद 24 के बारे में बताता है। ए, 14 वर्ष से कम आयु किसी बालक को किसी कारखाने में या खान या किसी परिसंकट में नियोजित नहीं किया जाएगा। बी, 12 वर्ष से कम आयु किसी बालक को किसी कारखाने में या खान या किसी परिसंकट में नियोजित नहीं किया जाएगा। 16 वर्ष से कम आयु किसी बालक को किसी कारखाने में या खान या किसी परिसंकट में नियोजित नहीं किया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु किसी बालक को किसी कारखाने में या खान या किसी परिसंकट में नियोजित किया जाएगा, बताइए जल्दी से आंसर। 69। मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2016 राइट आंसर इज ए, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में या खान या किसी प्रसंकट में नियोजित नहीं किया जाएगा। उसके भाग 3 के अनुच्छेद 23 तथा 24 के में शोषण के विरुद्ध अधिकार उल्लंघन किया गया है का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 24 के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों, माइंस या अन्य जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित किए जाने से निषिद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70। शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रतिबंधित करता है। मानव का दुर्व्यापार, भीख मांगना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी कारखाने, खान आदि में नियोजन, और सभी, बताइए। 70। बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009 राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल श्रम के संबंध में विस्तृत मार्ग सिद्धांत जारी किया? एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, मदन गोपाल बनाम उड़ीसा राज्य, डी ए एवं बी दोनों में। एमपी सिविजन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज ए, एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। संबंधित प्रावधान एक मिनट में सुनेंगे। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 सुप्रीम कोर्ट केसेस 756 के अपने ऐतिहासिक महत्व के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खाने या अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता श्री एमसी मेहता ने लोकहित बात फाइल करके दक्षिण भारत के शिवकाशी में दिया सलाई और पटाखा बनाने वाले कारखानों में हजारों की संख्या में कार्य कर रहे बालकों की दयनीय स्थिति की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और निवेदन किया कि न्यायालय बालकों के कल्याण के लिए बनाए गए विभिन्न अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए सरकार को समुचित निर्देश दे। क्वेश्चन नंबर 72। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त वेतन न दिए जाने से
उल्लंघित होता है? अनुच्छेद 17, 26, 18 और 23 गिव द राइट आंसर। यूपीपीसीए 2000-2005, फिर एमपीएपीओ 2002। राइट आंसर इज डी, अनुच्छेद 23। दीना बनाम भारत संघ के बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में शोषण के विरुद्ध प्राप्त मूल अधिकार में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलात्श्रम, बेगार श्रमिकों को पर्याप्त वेतन न देना तथा मानव के क्रय विक्रय को निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों तथा अन्य जोखिमपूर्ण उद्योगों में नियोजित किए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों तथा अन्य जोखिमपूर्ण उद्योगों में नियोजित किए जाने को निषिद्ध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध प्रदत्त किया गया है अनुच्छेद 14 के अधीन, 21 के अधीन, अनुच्छेद 19 के अधीन और अनुच्छेद 23 के अधीन। बताइए जल्दी से। एमपीएपीओ क्लेम 2009। राइट आंसर इज डी, आर्टिकल 23 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 74, बताइए कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है? आर्टिकल 23 क्लॉज से लेकर 24, आर्टिकल 25, 26, 24, 25, 26, 27, बताइए। यूपीपीसीएस 1996। राइट आंसर इज ए, अनुच्छेद 23, 24। अनुच्छेद 23, 24 अनुच्छेदों का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 24 बालकों का को संकटपूर्ण नियोजन में लगाने का प्रतिषेध करता है। 75 सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस बाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था? मैनिका गांधी बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस बाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था? तो उन्होंने एके गोपालन बनाम भारत मद्रास राज्य में ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 76, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। नंबर एक, निरोध का आधार जानने का, अपने विरोध साक्ष्यों की प्रति परीक्षा का अधिकार, निरोध अधिकारी की प्रति परीक्षा का अधिकार, उपरोक्त सभी। 76 यूपीपीसीएस 1994 में पूछा था क्वेश्चन। राइट आंसर इज ए, निरोध का आधार जानने का। संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लॉज 4 से लेकर 7 के अंतर्गत निवारक निरोध कानून के अंतर्गत निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निम्नलिखित संरक्षण प्रदान किए गए हैं। नंबर 1, सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्वलोकन। नंबर 2, गिरफ्तारी कारण जानने एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार। और तीसरा, सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया। 77 निवारक निरोध संबंधी विधि पारित की जा सकती है संसद द्वारा अनुरूप से, राज्य विधायिका द्वारा अनुरूप से, संसद एवं राज्य विधायिका दोनों द्वारा, केवल राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा। एमपीएपीओ 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, संसद एवं राज्य विधायिका दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, निवारक निरोध विषय संविधान की निम्न सूचियों में से किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची, संवर्ती सूची, राज सूची, उपरोक्त में से कोई सूची नहीं। उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2008। राइट आंसर इज सी, संवर्ती सूची में। भारत संविधान ने कौन सा अनुच्छेद एक अभियुक्त व्यक्ति को अपनी रुचि के काउंसिल के परामर्श करने तथा उसके द्वारा बचाव प्रस्तुत करने का मूल अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 20, 19, 14, 21, 22। तो राइट आंसर यूपीपीसीएस 1998। राइट आंसर इज डी, अनुच्छेद 22। भारत संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार एक अभियुक्त व्यक्ति को अपनी रुचि के काउंसिल से परामर्श करने तथा उसके द्वारा बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध सांविधिक संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 के अधीन दो प्रकार के गिरफ्तारियों की बात की गई है, सामान्य विधि के अधीन और दूसरा निवारक निरोध विधि के अधीन। क्वेश्चन नंबर 80, निवारक निरोध विषय संविधान की निम्न सूचियों में से किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची में, राज सूची में, संवर्ती सूची में, उपरोक्त में कोई में नहीं। पहले देख लिया इसलिए आंसर दे देता हूं, संवर्ती सूची में।
क्वेश्चन नंबर 81, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन राज्य द्वारा धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंध लगाने का विनिष्ठ आधार नहीं है? लोक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, नैतिकता, स्वास्थ्य। द राइट आंसर धार्मिक शासन। नाउ यूपीपीसी 2002-2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, सामाजिक न्याय। हाँ, क्वेश्चन नंबर 82, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और कूट योजनाओं के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। आर्टिकल 25, 30, 29, 26। यूपीपीसीए सप्लीमेंट 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, अनुच्छेद 26। संविधान का अनुच्छेद 26 का में लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्ण प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 में धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने तथा धर्म प्रचार, धार्मिक प्रचार करने की स्वतंत्रता है। वहीं आर्टिकल 29 में नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा व लिपि बनाए रखने का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 30 में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था में प्रशासन के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित है। प्रबंध समिति के गठन का, शिक्षण के माध्यम को मनुष्य करने का, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीति निर्धारण का, उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर दीजिए। यूपीपीसीएस 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी में। सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद बनाम गुजरात राज्य में दिए गए मनुष्य के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था के प्रशासन के अधिकार में प्रबंध समिति के गठन का अधिकार, शिक्षण के माध्यम को निश्चय करने का तथा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीति निर्धारण का अधिकार सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 84, एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत की अधिमान्यता, जबकि अरबी या फारसी या अन्य सामान्य भाषाओं को ऐसी परिस्थिति स्वीकार न करना धर्मनिरपेक्षता के आधारभूत सिद्धांत को प्रभावित करेगा, धर्मनिरपेक्षता के आधारभूत सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेगा, शक्ति वाय होगा, ऊपर से कोई भी नहीं। बताइए जल्दी से। यूपीपीसीएस 2009। राइट आंसर इज बी, धर्म निरपेक्षता के आधारभूत सिद्धांतों को प्रहारित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है? प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं में, राज्य को से पूर्णतः पोषित शैक्षिक संस्थाओं में, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में, राज्य को से सहायता प्राप्त करने वाली शैक्षिक संस्थाओं में। यूपीपीसीएस 1994-1999। राइट आंसर इज बी, राजकोष से पूर्णता पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में। आर्टिकल 28 के उपबंधों के अनुसार राजकोष में से पूर्णता पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा सिद्ध है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित तथ्य दिए गए हैं। आर्टिकल 28 में चार प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं को वर्णित किया गया है। राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित संस्थाएं, इनमें धार्मिक संस्था धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। दूसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। तीसरा है राजनीति से सहायता पाने वाली संस्थाएं। इन दोनों प्रकार की संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, इसके लिए सहमति की आवश्यकता होगी। वहीं चौथा है राज्य प्रशासित किंतु किसी धर्मस्व द्वारा स्थापित संस्थाएं जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 86, भारत संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें प्रशासित करने का प्रावधान है? आर्टिकल 26, 30, 17, 24। छत्तीसगढ़ संविधान 2017। अभी हमने देखा भी था ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। राइट आंसर इज सी, आर्टिकल 30। भारत संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 87, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 30 क्लॉज 1, 29 क्लॉज 1, 30 क्लॉज 2, 29 क्लॉज 2। बताइए। यूपीपीसीए 2007। राइट आंसर इज ए, आर्टिकल 30 क्लॉज 1। नाउ
क्वेश्चन नंबर 88, राज्य से अनुदान प्राप्त कर रही एक अल्पमत की शैक्षणिक संस्था प्रवेश के मामले में निम्नलिखित कर सकती है, अपने समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सभी स्थान आरक्षित कर दे, अपने समुदाय के विद्यार्थियों के लिए 50% स्थान आरक्षित कर दे, अपने समुदाय के अभ्यर्थियों को वरीयता दे, ऊपर से कुछ भी नहीं। UBPCS 1994। राइट आंसर इज बी, अपने समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए 50% स्थान आरक्षित कर दे। सेंट स्टीफेन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को अपनी इच्छा से 50% छात्रों के प्रवेश स्थानों को आरक्षित करने का अधिकार है। 89, आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 4th अमेंडमेंट एक्ट, none of the above। द राइट आंसर, आर्टिकल 31 को कॉन्स्टिट्यूशन के कब अमेंड कर दिया गया था, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 2016 पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें अमेंडमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90, संविधान में अनुच्छेद 31C निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 22वें, 25वें, 24वें और 26वें संविधान संशोधन द्वारा? MBAPO प्रीलिम 2010। राइट आंसर इज सी, 25वें संविधान संशोधन द्वारा। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़कर अनुच्छेद 31 के खंड खा और गा के तहत निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने वाली विधि को मौलिक अधिकारों के आधार पर प्रश्नगत न करने की व्यवस्था दी गई थी, परंतु इसके न्यायिक पुनर्वलोकन की वर्जित करने संबंधी उपबंध दूसरे खंड को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अविधिमान्य घोषित कर दिया तथा इसके प्रथम खंड को विधिमान्य घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संरक्षण का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार। राजस्थान जुड़ी सर्वे 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, संपत्ति रखने का अधिकार। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार उपबंधित है, अनुच्छेद 41वें संविधान संशोधन के द्वारा के पूर्व संपत्ति का अधिकार के मूल अधिकार के रूप में प्रदान करता था, किंतु उक्त संशोधन पश्चात अब नए अंतर स्थापित अनुच्छेद 300 का में एक संवैधानिक अधिकार के रूप में उपलब्ध है, जबकि प्राणदायक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत आवास संरक्षण अनुच्छेद 19(1)(d) में तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार अनुच्छेद 1(b) में मूल अधिकार के रूप में प्रवृत्त है। दोस्तों, आज के चारों वीडियोस अपने समाप्त हो चुके हैं, इनको आप बारी बारी क्रम से देख सकते हैं, उनके क्वेश्चन उसी हिसाब से दे सकते हैं जैसे आप ऑनलाइन क्लास में देते थे। आई थिंक आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और सहयोगपूर्ण होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।